सुमित की कहानी ऐसी हो गई है कि वो क्या करे क्या ना करे इस बात पर वो परेशान है। एक तरफ वो अपनी शादी के रिश्ते को सही साबित करना चाहती है और अपनी परवरिश को सही साबित करना चाहती है, जिसके चलते वो रौनक को बार बार ठुकरा रही है। आपको ये भी बता दें कि रौनक को ठुकराने की वजह से रौनक का ईगो हर्ट हो रहा है और इसलिए वो श्लोक को किडनैप कर लेगा और श्लोक की जान लेने की कोशिश करेगा, उसे टॉर्चर करेगा अपने गुंडों के द्वारा, उसे टॉर्चर करने की धमकी भी दे देगा बॉन्डिंग, जिसे सुनकर सुमित को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और सुमित एक पल तो बहुत ज्यादा डर जाएगी, लेकिन अपनी माँ को याद करके, अपनी माँ की बातों को याद करके वो गुंडों से भिड़ जाएगी। तो क्या ये अवतार देखकर सुमित का श्लोक का दिल पिघल जाएगा और श्लोक की जो नाराजगी है सुमित से वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि श्लोक को तो गलत फहमी है, क्योंकि श्लोक को ऐसा लगता है कि सुमित पैसों वालों से प्यार करती है और पैसों वालों से ही शादी करना चाहती है। क्योंकि शादी से पहले जब सुमित का रिश्ता हो रहा था रौनक से, तो कई बार श्लोक ने रिश्ते को रोकने की कोशिश करी और सुमित को समझाने की, पर सुमित तो मजबूरी में ये सब कर रही थी, जिसका अंदाजा श्लोक को नहीं था। कल आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।